महिला सशक्तिकरण की दिशा में सिक्किम के बढ़ते कदम। सिक्किम मामा सशक्तिकरण योजना लागू। पाकियों के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सिक्किम मामा सशक्तिकरण योजना की दूसरे चरण के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को अतिरिक्त जिला अधिकारी कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से पाकियोंग जिले के तहत 5 निर्वाचन क्षेत्रों में SASY योजना के वितरण पर जोर दिया गया। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के तौर पर सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामांग ने आमा योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पूरे सिक्किम में बचत की आदत को बढ़ावा देकर गैर कामकाजी माताओं का समर्थन करना है। इस योजना को लागू करके सरकार का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना है। इस योजना का लक्ष्य 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता और सहायक उपाय प्रदान करके सशक्त बनाना है। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक निदेशक अर्जुन प्रधान ने SASY के निर्देशकों और संबंधित अधिसूचना पर व्यापक जानकारी प्रदान की है। उपस्थित लोगों को पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और योजना द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न लाभों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा SASY के दूसरे चरण में लाभार्थियों की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। विभाग के अधिकारियों ने निर्वाचन क्षेत्रवार आधार पर कुशल वितरण सुनिश्चित करके SASY फॉर्म भी सौंपे।